नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, एक सवाल मेरे पास आया है और मेरे व्यूअर ने एक सवाल किया कि आप जो है जो भी लीफी वेजिटेबल्स आप लगाते हैं ग्रो बैग्स में, तो उसमें वाटरिंग जब हम न्यू जर्मिनेशन होता है और उस टाइम पे जब हम वाटरिंग करते हैं तो उनके पत्ते जो पौधे हैं वो गिर जाते हैं वाटरिंग की वजह से और फिर वो धीरे धीरे सूख जाते हैं, तो हमें वाटरिंग कैसे करनी चाहिए? ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करता था, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन जेन्युइन है और इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें स्टार्टिंग में वाटरिंग कैसे करें कि आपके पौधे डैमेज ना हों, मरे नहीं। तो उसके लिए जो दोस्तों मेरा पहला सजेशन है कि पहले तो आप जो बुआई का तरीका है उसे बदलिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसे मैंने कुछ नालियाँ बना बना के बुआई करी हुई है पालक की, तो आप भी इस प्रकार से बुआई करें जिससे कि आपको बीच में जो ये देखिए आप गैप दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे पानी वाटरिंग करते हैं तो वो वाटर पूरे ग्रो बैग में आपके जाता है और एक भी पौधा डैमेज नहीं होता है। मैं अभी आपको वाटरिंग करके भी दिखाता हूँ इस तरीके से। तो इस तरह से अगर आप सीडलिंग करेंगे, पौधों को लगाएंगे, इनके सीड्स को इस प्रकार जर्मिनेट करेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी जो है वाटरिंग करने में, एक भी पौधा ख़राब नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए इधर मेरी लाल चौलाई लगी हुई है, ये भी देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें दिख रही, और इसे भी हमने इसी प्रकार नालियों के हिसाब से ही लगाया हुआ है, तो सारे पौधे अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रोथ पकड़ लेते हैं। एक बार जब पौधे थोड़े हार्ड हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, फिर आप अच्छे से वाटरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भी पौधा मरता नहीं है। तो ये पहला सजेशन है। तो दोस्तों मैं दूसरे तरीके की बात करूं कि अगर आपने ऐसे ही पौधों को सीड्स को स्प्रिंकल कर दिया है और उन्हें नालियों में नहीं बनाया है, तो फिर आप कैसे वाटरिंग करेंगे? तो उसके लिए पहले तो जो टैप है आपका, टोटी जिससे भी पानी आप देते हैं पाइप से, तो उसका जो प्रेशर है उसको कम कीजिए। कम प्रेशर में अगर आप वाटरिंग करेंगे तो वो पौधों को ख़राब नहीं करेगा, और किसी एक प्लेस पे मिट्टी जो बराबर कर दीजिए इतनी कि कहीं भी आप पानी दें तो पूरे ग्रो बैग में पानी चला जाए। फिर आप एक जगह पे कहीं 2-4-10 पौधे अगर ख़राब भी होते भी हैं तो आपने एक प्लेस चुन लेना है। जैसे मान लीजिए ये किनारा है आपके पौधे का, ग्रो बैग का, तो यहाँ आपने एक प्लेस चुन लेना है और इस प्रकार से कोई पॉलीथीन यहाँ रख के, और इसी पॉलीथीन के अंदर आप अपना पाइप डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो इस पॉलीथीन के अंदर पानी जाएगा और फिर वापस जब इसमें से निकलेगा तो वो नीचे नीचे चारों तरफ आपके गमले में पानी फैल जाएगा, तो आपका पौधा सिर्फ एक जगह के कुछ पौधे ख़राब होंगे, बाकी पूरा ग्रो बैग फ्रेश रहेगा, नीचे नीचे जड़ों में पानी सिर्फ जाएगा। तो दोस्तों मैं पहले दोनों तरीकों से आपको वाटरिंग करके भी दिखाता हूँ लाइव कि इससे पौधे कैसे हमारे सेफ रहेंगे। तो ये देखिए हम पानी दे रहे हैं, तो आपको दिखाऊं मैं नालियों में अगर मैं पानी देता हूं तो मेरा एक भी पौधा ख़राब नहीं होता है। आप देखिए हम पानी दे रहे हैं, अच्छे से पानी दे रहे हैं और काफ़ी मात्रा में, अच्छे मात्रा में पानी देंगे हम, ताकि फिर हमें हमारे पौधे इस गर्मी के मौसम में ड्राई ना हो, मरे नहीं। तो मैं पानी दे के दिखाता हूँ, एक कोने पर मैं पानी नहीं दूंगा, उससे मैं दूसरी मैथड से पानी देंगे हम। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने पहला मेथड जो बताया है कि हमें किस प्रकार से पालक को ग्रो करना है या फिर कोई भी लीफी वेजिटेबल्स, और फिर हमें उसमें वाटरिंग करनी है। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये दूसरा मेथड जो है हमारा, हमने इसमें रख दिया ये पॉलीथीन, और जो हमारा ये पाइप है, इस पाइप को हम इस पॉलीथीन के अंदर इस प्रकार से डाल देंगे और डाल के हम इसे छोड़ देंगे, और ये पॉलीथीन धीरे धीरे भरती रहेगी और इसमें से पानी निकल के पूरे जो हमारा ग्रो बैग है, पूरे ग्रो बैग में देखिए कितनी आसानी से पानी चारों तरफ जा रहा है। तो ये कुछ जुगाड़ होते हैं जिन्हें आपको करना होता है जिससे कि आपके पौधे ख़राब ना हो। अब देखिए ये पानी चारों तरफ जा रहा है और एक भी पौधे हमारे गिर नहीं रहे, और पौधे भी देखिए अभी नाजुक हैं, काफ़ी मजबूत नहीं हैं, तो एक भी पौधे इससे गिरेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। एक जगह जहाँ आप पॉलीथीन रखेंगे उतनी दूर का पौधा आपका थोड़ा दब जाएगा पॉलीथीन पानी की वजह से, बाकी पूरा जो है आपका ग्रो बैग सेफ रहेगा। तो इस प्रकार से आप वाटरिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों के अलावा मैं एक तीसरा तरीका भी आपको बताता हूं, और वो तीसरा तरीका है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए एक वाटर स्प्रेयर आता है जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो ये वाटर स्प्रेयर में कई सारे मोड होते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए
ये हमारा सावर मोड है। सावर मोड पे लगा के अगर हम वाटरिंग करते हैं तो मैं आपको दिखाऊं, एक भी पौधे देखिएगा आप गिरेंगे नहीं, मैं वाटरिंग कर रहा हूं और पूरे ग्रो बैग में हम इससे अच्छे से वाटरिंग कर लेंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है पर इससे वाटरिंग अच्छे से हो जाती है और पूरे पौधे, पूरी मिट्टी जो है हमारे ग्रो बैग की वो गीली हो जाएगी, भरपूर मात्रा में हम पानी दे देंगे और एक भी पौधा हमारा ख़राब नहीं होगा। तो मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरे ग्रो बैग में हम पानी डाल रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं और एक भी पौधा हमारा डैमेज नहीं हो रहा है। तो आप इस प्रकार, चूंकि इसका स्प्रे आपको थोड़ा लो रखना है, बहुत तेज़ अगर स्प्रे होगा तो शायद पौधा ख़राब हो जाए, लेकिन अगर लो स्प्रे मारेंगे आप, पौधे में पानी देंगे तो एक भी पौधा आपका इससे डैमेज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने नई लीफी वेजिटेबल्स की जो ग्रोथ है उन्हें अच्छे से रखने के लिए ये तीन मेथड हैं जो पानी वाटरिंग कर सकते हैं, तो इसे अपनाइए, बेस्ट है। आपके पूरे लीफी वेजिटेबल्स थोड़े जब तक ग्रो करते हैं, जब हार्ड हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, फिर आप अच्छे से वाटरिंग करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आगे से आप जब भी ये लीफी वेजिटेबल्स लगाएं तो इस प्रकार नालियों के रूप में ही लगाएं, जिससे कि आपको एक तो वाटरिंग में आसानी हो, दूसरे इनके जो ग्रोथ होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा होता है ये। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।